यही हमें तो बता के जरूरत ही नहीं है। देखो कितनी बढ़िया मेहंदी लगाई है, हमने बुकिंग करते ही है, अपने ब्याह में लगवाए हैं इतनी मेहंदी। तो गाइस फाइनली मैं दिल्ली से अरियारी शिवानी दी। हेलो गाइज, वेलकम टू माई प्रिया राजूता व्लॉग्स। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और मेरा ब्लॉग यहाँ पे नहीं आ पा रहा है इसलिए क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम यहाँ कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, मेरे फ़ोन में बिल्कुल नेटवर्क नहीं है तो इस वजह से ब्लॉग टाइम पे नहीं आ पा रहा है। तो आज मैंने आप लोगों से बताया था कि हम लोग मतलब कोई स्पेशल से मिलवाएंगे, स्पेशल मतलब गर्ल से, तो वो कौन है? शिवानी कुमारी। आप तो सभी जानते होंगे अरियारी की शिवानी कुमारी हैं, तो हम लोग बस उन्हीं से मिलने जा रहे हैं। आज हवी जी मेहंदी भी इनके लगाएंगे, स्पेशली उन्होंने डिमांड करी है भाई, डिजाइन भी सेंड किया कि मेरे को सर यही लगवाना है भैया, मुझे आपसे बहुत उम्मीद है यही लगाना है मुझे, तो इसीलिए बस आज लगाएंगे। आज कैसा फील हो रहा है आपको? अच्छा, वेरी गुड। एक मोटिवेटर से मिलने जा रहे हैं और जो जिसने बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया और मेहनत की है और आज वो कामयाबी की बुलंदी पे है और जो अपने घर का भी पूरा ख्याल रखती है, अपना भी रखती है और अपने गाँव का भी रखती है, ऐसे लोगों को जरूर मिलना चाहिए। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आप लोग उनसे मिलोगे तो ऐसे लोगों से मिलना चाहिए भी भाई, ऐसे लोगों से मिलने से क्या होता है, मोटिवेशन आता है इंसान के अंदर। तो बस मिलते हैं, जाते हैं, बस आने ही वाले हैं। उनका थोड़ा मतलब थोड़े दूर का रास्ता है, 5 मिनट्स का रास्ता है। देख लो उनका गांव, उनका क्या, ये मेरी सिस्टर लॉ का भी गाँव है, ये पास में ही है शिवानी कुमारी के घर से, 10 से 15 मिनट का रास्ता है बस, मेरे मतलब दीदी के घर से 10-15 मिनट का रास्ता है शिवानी कुमारी के घर का। सो गाइस, मैं पहुंच चुकी थी शिवानी दीदी के घर पर और वन हैंड स्टार्ट भी कर दिया था। मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया उनके घर जाने का क्योंकि हवी जी का ब्लॉग शूट कर रही थी, इस वजह से हवी जी शिवानी दी को सरप्राइज दे रहे थे। ऐसा ना होता कि शिवानी दी हवी जी को सरप्राइज दे रही थी कि भाई बोलती भैया मैं हुई नहीं यहाँ पर, शुक्र मनाओ कि मिल गई घर पर अपने। तो तो गाइस फाइनली मैं दिल्ली से अरियारी आया हूँ शिवानी सिस्टर के मेहंदी लगाने के लिए और इनके लिए सरप्राइज था कि मैं स्पेशली इनको सरप्राइज दिया यहाँ पे, इनको पता भी नहीं था कि मैं इनके घर आ रहा हूँ। सही में तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है तो की भाषा बोलने लगा था अब दूसरे हैंड में स्टार्ट हो चुकी थी मेहंदी, एक हैंड कम्प्लीट हो चुका था और अभी तो शाम हो रही है तो हम लोग बाहर बैठे हैं, अभी थोड़ी देर में अंदर चले जाएंगे हम लोग। अब हम अंदर आ चुके हैं शिवानी दीदी के रूम में क्योंकि बाहर बिल्कुल अंधेरा हो गया था, इस वजह से शिवानी दीदी का रूम है और दोनों हैंड कंप्लीट हो चुका था, बैक हैंड स्टार्ट हो चुका था। दीदी को बहुत अच्छी लगी मेहंदी, हमें भी अच्छा लगा दीदी से मिलकर। ये देखो शिवानी दीदी घर में परमानेंट इतने लोग बैठे ही रहते, बाहर तो बहुत सारे बैठे थे। फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं इस हैंड को क्योंकि बहुत लेट हो गए हैं और गांव का इलाका है तो पता नहीं है, इसलिए जल्दी जल्दी दीदी बोली थी आओ घर पे। तो गाइस मैं आप लोगों को बता रही थी ना कि मैं किसी से मिलवाऊंगी आप लोगों को, तो मैं अब ब्लॉग बना रही हूँ, काफ़ी टाइम से आ चुके हैं लेकिन फाइनली पूरा मेहंदी लग गया तब मैं मिलवा रही हूँ। तो कौन है पहचान जाना, कमेंट भी कर देना शिवानी दी, ठीक है? ये शिवानी दी, उनका मेहंदी कंप्लीट हो चुका है, मोर बनाई है पीछे भैया ने आवड़े है जा खेत में जाके शिवानी दीदी के बढ़िया है तो बस अब हम लोग निकलेंगे, काफ़ी हम लोगों ने मस्ती कर ली, एंजॉय कर लिया भाई, बहुत खातिरदारी कर दी शिवानी दीदी ने हमारी तो बस अब निकलेंगे क्योंकि टाइम ओवर हो चुका है, 9:10 हो चुके हैं, बस दीदी भी वेट कर रही है हम लोगों का। मेरा शिवानी दी अगर हम लोग शिवानी दी के रूम में अंदर शिवानी दीदी का शूट हो रहा है और ये देखो डुक्कू खेल रहा, फुल मस्ती होगी, बहुत मज़ा आया। जय कौन जो जो कहता था कि भाई शिवानी दीदी का अंदर घमंड ऐसा कुछ भी नहीं है, भाई हम लोग आए खूब काफ़ी तारी उन्होंने की हमारी और बहुत ही अच्छा नेचर है उनका। शिवानी दीदी बने बच्चे खेल रहे हैं, मेरे बच्चों को मेरे बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर,
बहुत खूब इंजॉयमेंट हो रही है। अंदर ले चलते हैं फिर। भैया पे लगा दो, भाभी पे लगा दो। ये कल्लो बंदी है शिवानी जी की, सब काले 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 दिख रहे हैं। अब हम लोग जा रहे हैं। तो हम निकल चुके हैं, बहुत लेट हो गए हम लोग, टुक्कू परेशान हो रहा है। हाँ चल रहे, बस चल रहे बेटा, देखो देखो देखो। तो हम लोग निकल आए हैं वहाँ से भाई, बहुत अच्छा लगा शिवानी दी से मिलके। तो काफ़ी नाइट भी हो चुका है और उनको मेहंदी, उनको भी बहुत अच्छी लगी मेहंदी अभी जी की भाई। और तो बस अब हम लोग घर पहुँच रहे हैं क्योंकि सब वेट कर रहे हैं घर पे, क्योंकि लेट नाइट हो चुका है। और खाना खाएंगे फिर खाना खा के सो जाएंगे। आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, और जो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर देना और प्लीज़ कमेंट जरूर करना। कल मिलते हैं नए दिन की शुरुआत से। ओके बाय, गुड नाइट, टेक केयर।